मॉर्निंग की शुरुआत तो हो चुकी है एक मीठी सी चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद मैं अब आ चुका हूँ फुकेत के बीच के ऊपर और आप देख सकते हैं क्या सुंदर नज़ारा है फुकेत के बीच का। लोग सुबह सुबह चिल कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं और ये सब आप भी कर सकते हैं। कैसे कैसे प्लान करें थाईलैंड का, कैसे प्लान करें बैंकॉक का, कैसे प्लान करें फुकेत का, इस बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बताने वाला हूं और इसी वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। आपको बहुत आसान होगा, बस इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस मेरे वीडियो को देख के आप सीधा यहां थाईलैंड आना है। अब आना कैसे है, क्या करना है, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पैदल चलते चलते ठीक से नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा आराम से बैठ जाते यहाँ पर और फिर आपको बता देते कि क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे कैसे प्लान करनी पड़ेगी। हालांकि आज तारीख है 7 जुलाई 2022, 1 जुलाई से थाईलैंड पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब 1 जुलाई के बाद जो भी प्लान करना चाहेगा उसको थाईलैंड पास की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसको चाहिए खाली वैक्सीनेशन के 2 डोज। हम इंडियंस के लिए थाईलैंड देता है वीज़ा ऑन अराइवल और उसकी फ़ीस होती है 2000 बात, क्योंकि 2000 बात में आपको थोड़े सवाल जवाब पूछेंगे। लेकिन अगर 2200 बात आप देते हैं तो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपको पावती मिलेगी 2000 बात की। मतलब 200 बात आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर जल्दी से बिना लाइन वाली गली से फटाक से निकलने आए तो, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगेगा। हालांकि सुबह सुबह की फ़्लाइट होती है तो बहुत सारी भीड़ होती है, लाइन लंबी रहती है, 1-1.5 घंटा आपको लग सकता है लाइन में। मुझे भी 1/2 घंटा लगा था, मगर आप अगर 2200 बात देते हैं तो फिर थोड़ा सा जल्दी निपट सकते हैं। सबसे पहले थाईलैंड आने के लिए टिकट कहाँ से बुक करें? इंडिया में बहुत सारे ऐप है, मेक माई ट्रिप है और भी बाकी बहुत सारे ऐप है। आप कहीं से भी थाईलैंड के लिए कोई भी सस्ती फ्लाइट चूज़ करके अपने हिसाब से, अपने टाइम के टेबल से के हिसाब से चूज़ करके उसको बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप कोई भी फ्लाइट बुक करते समय एक ध्यान में रखिए कि आप एयरलाइन की जो कंपनी होती है उसी वेबसाइट पर जाकर ही बुक करें। वो क्यों करें मैं आपको आगे बता दूँगा। चलिए फ्लाइट तो आपकी बुक हो गई, अब आपको क्या करना है? अब आपको होटल बुक करने हैं। होटल बुक करने का सीधा सस्ता जरिया है booking.com। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी सिस्टम वाला वेबसाइट है। आप वहाँ बिना पेमेंट किए हुए आप अपना होटल हॉस्टल जो भी कुछ है बुक कर सकते हैं। पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, क्योंकि अगर बाई चांस आप अचानक उसको कैंसिल करते हैं तो फिर आपको जो फाइन कटना होता है वो काटने के लिए और श्योर हो कि आप आ रहे हैं, इसके लिए वो वेबसाइट आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेती है। पैसे वगैरह काटती नहीं है, पैसे आपको आपके होटल पहुंचने के बाद देने होते हैं। ये बहुत बढ़िया जरिया है, बहुत अच्छी सिस्टम है। मैंने booking.com से ही मेरे हॉस्टल बुक किए थे। मैं हॉस्टल इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अकेला सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए हॉस्टल में रुकता हूँ। अभी हॉस्टल का पंगा क्या है वो भी मैं थोड़ी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हॉस्टल बस वही है होटल जैसा ही है, मगर एक रूम में 3-3, 4-4 लोग रहते हैं और ऐसे छोटे छोटे बेड रहते हैं, जैसे कि स्कूल के हॉस्टल रहते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चों के, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम रहता है हॉस्टल का। थोड़ा कम पैसे में हो जाता है, वहाँ प्राइवेसी ज़्यादा होती नहीं है। होटल बुक करोगे, फैमिली के साथ आओगे तो होटल बुक करोगे, वहाँ प्राइवेसी वगैरह का कोई इशू नहीं होता है, तो इसलिए मैं हॉस्टल की बार बार बात कर रहा हूँ। मैंने मेरा हॉस्टल बुकिंग किया था booking.com से, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, आप कहीं से भी अपना हॉस्टल होटल बुक कर सकते हैं। तो चलिए टिकट हो गया, होटल बुकिंग हो गई, अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? थाईलैंड के लिए ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं होते, बस आपको अपने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का एक डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। आपको अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी एक्सपायरी डेट कम से कम 6 महीने के ऊपर वाली हो, और उसमें इमिग्रेशन के स्टैंप लगने के लिए कम से कम एक दो पेज खाली हो, एम्प्टी हो। ये हो गई पासपोर्ट की बात। वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है आपको वहाँ जाने के बाद, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 2200 बात में वीज़ा मिल जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा रिटर्न फ्लाइट टिकट। जी हाँ, इमिग्रेशन वाले या एयरलाइन वाले आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट मांग सकते हैं,
मांगते भी है, मुझे भी मांगा था, मैंने उनको दिया था। तो आपको एक टिकट बुक करनी पड़ेगी रिटर्न वाली भी। अगर आप वो देश से किसी और दूसरे देश जा रहे हैं तो वो टिकट भी आपके साथ रहेगी तो चलेगा, कोई मामला नहीं है। मगर जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा शायद मांग सकते हैं, नहीं भी मांग सकते, वो वीज़ा आपको दिखाना पड़ेगा। अगर वहाँ भी वीज़ा ऑन अराइवल है तो वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे इंडियंस के लिए ऐसे ऐसे सिस्टम है, इसलिए हमको उस देश का वीज़ा नहीं लगता है, हम डायरेक्ट वहाँ जा सकते जैसे यहाँ पर आ गए। वो जो भी है वो पूछेंगे तो सब ये सारी चीज़ें हैं। मगर हाँ, रिटर्न फ्लाइट टिकट बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप उसको साथ में लेके जाए। एयरपोर्ट के ऊपर आपको एयरलाइन वाले दो सर्टिफिकेट मांगेंगे, आपको फ्लाइट टिकट मांगेंगे। मेरे साथ पंगा हुआ था कि मुझे इंश्योरेंस भी मांगा गया था, उसका कारण ये था कि वो तब मैं 1 जुलाई से पहले गया था। थाईलैंड का वीज़ा मिलने से पहले आपको वहाँ के अधिकारी आपको थाईलैंड के होटल बुकिंग की जानकारी भी मांग लेंगे, वो भी आपको दिखानी पड़ेगी, वो भी आपको तैयार रखना है। मतलब बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स है, बाकी कुछ नहीं है। पासपोर्ट हो गया, वो तो ज़रूरी है, वो तो सबके पास है, अगर है तो तभी आप जा रहे हैं। पासपोर्ट हो गया, वीज़ा का तो अराइवल मिलता ही है, दूसरा बात हो गया रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और अपना वैक्सीनेशन का डोज, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ आप सीधा फ्लाई कर सकते हैं थाईलैंड। थाईलैंड में आने के बाद आपने तो होटल बुकिंग की है। अगर आप बैंकॉक उतरते हैं तो बैंकॉक में टोटल 2 एयरपोर्ट है, एक है DMK, एक है BKK। BKK है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट, और DMK जो है वो डॉन मोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं नीचे लिख दूंगा। तो वहाँ से आपके होटल तक पहुँचने के लिए बसेस है, टैक्सीज है, मेट्रो भी है। हाँ भाई साहब, वहाँ मेट्रो भी है, मेट्रो भी चलती है, मैंने एक मेट्रो वाली वीडियो बनाई है, वो भी आपने देखी होगी, शायद आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी से भी प्रवास कर सकते हैं, अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। वहाँ आने के बाद वहाँ बहुत सारे लोकल टूरिस्ट शॉप आपको दिखाई देंगे, वहाँ जाके आप डे बाय डे बुकिंग कर सकते हैं, कहाँ जाना है, क्या जाना है। मैं बैंकॉक में 3 दिन था, एक दिन मैं गया था सफारी वर्ल्ड, एक दिन गया था मैं पूरे बैंकॉक सिटी को एक्सप्लोर करने गया था, और दूसरा दिन मैंने थोड़ा सा मेरे लिए रखा था, उसमें मैंने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की थी। वो आपके ऊपर है कैसे क्या क्या घूमना है, क्या क्या नहीं घूमना है, वो आप अपने मर्जी से प्लान कर सकते हो। वो भी यहाँ आने के बाद आसानी से प्लान हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंकॉक में आपको तीन दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बैंकॉक एक मुंबई जैसा बड़ा शहर है, देखने लायक जो भी है थोड़ा बहुत है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप बैंकॉक में 2 दिन रुक के, आपको मैं पट्टाया जाने के भी बारे में बता सकता हूँ। पट्टाया में भी बीच है, अच्छी खासी देखने वाली जगह है, वहाँ भी आप अच्छा से जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैंकॉक और पट्टाया होने के बाद मैं आ गया था फुकेत। फुकेत आने के लिए बैंकॉक से मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे तरीके, ट्रेन भी है, बस भी है और है फ्लाइट भी। मैं आया था बस से, 12 घंटे का सफ़र था, मेरे को 637 बात पड़े थे, मतलब लगभग 1300 रुपये की टिकट थी, लेकिन बस बहुत अच्छी कंडीशन में थी। आपने वो वाली वीडियो देखी होगी, आप अगर नहीं देखे तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बढ़िया बस का सिस्टम भी लगा, लेकिन वहाँ आपको स्लीपर भी कोच मिलता है, मेरी बस वाली स्लीपर कोच वाली नहीं थी। आप अगर स्लीपर कोच वाली बस लेते हैं तो और बढ़िया हो जाता है, क्योंकि आपको रात को अच्छी से नींद आ जाती है, रोड एकदम मक्खन जैसे है, इसलिए कोई धक्के बगैर लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। फ्लाइट से भी आ सकते हैं, 3-4 हज़ार तक की फ़्लाइट मिल जाती है, और ट्रेन से आने के बाद थोड़ा सा एक पंगा हो सकता है, क्योंकि बैंकॉक से सीधा फुकेत तक ट्रेन नहीं है, आपको आना पड़ेगा बैंकॉक से सूरत थानी करके एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ आना पड़ेगा, और सूरत थानी से फिर फुकेत आने के लिए आपको कम से कम 3-4 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि लगभग 250-300 किलोमीटर का अंतर है। तो मैं ट्रेन से आने के लिए आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि फुकेत आना है तो आपको ट्रेन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कराबी वगैरह इलाके में जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्रेन से जा सकते हो, क्योंकि कराबी वहाँ से नज़दीक है। अभी आ गए आप फुकेत में, आपने होटल तो पहले से बुक किया हुआ है। फुकेत में आने के बाद पहले दिन तो आप कुछ करोगे नहीं, एकदम रिफ्रेश होके थोड़ा सा फ्रेश महसूस करोगे और एकदम आराम से निकालोगे। रहा दूसरा दिन, फुकेत में आप 3-4 दिन अच्छी तरह से गुजार सकते हैं।
पहले दिन आप जाइएगा फीफी आइलैंड, जी हाँ 1200 बात लगेंगे, थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, वो आपको 1500-2000 बात बोल देंगे। थोड़ी सी बार्गेनिंग करके आप 1000-1200 बात तक मामला सेट कर सकते हैं। 1200 बात में वो फीफी आइलैंड का टूर कराते हैं, उसमें आपको सब खाना मिलता है, लंच मिलता है, दोपहर का चाय नाश्ता स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम होता है, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। और वहाँ जाने के लिए भी आपको दो पर्याय है, एक है बड़ी वाली बोट, दूसरी वाली स्पीड बोट। अगर आप थ्रिल, अगर आप एडवेंचर महसूस करना चाहते हो तो आप स्पीड बोट से सफ़र कर सकते हैं, और आपको लहरों का डर नहीं है, समुंदर का खौफ नहीं है, डूब मरने का डर नहीं है, तो आप स्पीड बोट से जा सकते हैं। और है सब ये कुछ तो आप बड़ी वाली बोट प्रेफर कर सकते हैं, बड़ी वाली बोट भी मिलती है, आराम से आपको लेके जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीफी आइलैंड एक बहुत ही मस्त ठिकाना है, आप वहाँ एकाध दिन रुकना चाहते तो भी रुक सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा रुकने के लिए, क्योंकि फिर वहाँ से वापस आने के लिए थोड़े से महंगे दाम में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप आइसलैंड के ऊपर होते, आपको मुख्य भूमि में आने के लिए उनका ही सहारा लेना पड़ता है, थोड़े पैसे ज़्यादा लग सकते हैं। अगर आप फैमिली वाले हैं तो एकाध दिन वहाँ रुक सकते हैं, बीचेस का वगैरह मज़ा ले सकते हैं। अगर बीचेस का ही मज़ा लेना है तो आपको फुकेत में भी बीचेस है, इसलिए वो भी कोई बात नहीं है, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो रहा नहीं था वहाँ पे, मैंने एक दिन का टूर प्लान किया था, वहाँ 2-3 आइलैंड है, वहाँ मंकी बीच है, मंकी बीच के ऊपर भी मंकीज वगैरह आते हैं, हालांकि जब मैं गया तो पानी का लेवल ऊपर था, इसलिए मंकी सब पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे, हमको मंकी दिखाई दिए मगर वो सब मज़ा नहीं मिला जो आमतौर पर सबको मिलता है। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो बीच है, बीच के ऊपर ज़रूर हमने चिल भी किया, मस्ती भी की, एंजॉय किया, पानी में नहा लिए, वो सब मज़ा तो ज़रूर होगा। दूसरा बात एक है कि वहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी होती है, पानी के अंदर जाके आपको सब फिश वगैरह देखने को मिलते हैं, वो भी बारिश की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ जो आइसलैंड है और वहाँ की जो खूबसूरती है वो गजब की खूबसूरती है, आप बिल्कुल भी मिस मत करना फीफी आइलैंड का टूर, बहुत मज़ा आएगा। 40 मिनट लगते हैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए, आते आते और एक दो आइसलैंड पे वो लेके जाते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा, काफ़ी मस्त और काफ़ी शानदार अनुभव है आपके लिए, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये एक दिन का आपका प्लान हो सकता है फीफी आइलैंड का। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरे दिन आपको क्या करना है। दूसरे दिन का प्लान आप ऐसे बनाएंगे, आप बनाएंगे प्लान जेम्स बॉन्ड आइसलैंड के लिए, वो फीफी आइलैंड से भी बहुत मज़ेदार अनुभव होगा। बड़ी वाली बोट है, छोटी वाली स्पीड बोट भी है, आप कैसे भी जा सकते हैं, स्पीड बोट से भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो समुंदर है एकदम शांत है, वहाँ कुछ लहरें वगैरह है नहीं, वहाँ एकदम आसानी से आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। लेकिन जो जेम्स बॉन्ड आइलैंड की जो एक दिन की टूर होगी वो काफ़ी शानदार है, वो इसलिए कि वहाँ आपको केव के अंदर जाने को मिलेगा, वो बड़े बड़े पहाड़ के नीचे समुद्र की लहरों ने केव्स बनाई हुई है, और उस केव्स के अंदर आपको जाने को मिलेगा, वो अनुभव है ऊपर से एकदम ज़बरदस्त प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। फिल्मों में जिस तरह से हम देखते हैं, वहाँ कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि ये ऐसा खूबसूरत नज़र आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको वो सब देखने में। जेम्स बॉन्ड आइलैंड का ट्रिप भी एक शानदार ट्रिप होगा, वो भी आप 1000-1200 रुपये में सेट कर सकते हैं, मतलब वो भी आप 1200-1300 तो तक रुपये में कर सकते हो। तीसरा दिन आप रखिएगा पूरा सिटी टूर घूमने के लिए, वहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन है सिटी टूर घूमने के लिए भी, वो भी 1000-1200 में आपको 6-7 पॉइंट दिखा के लेके आ सकते हैं। पूरे पॉइंट आपको अगर देखने तो और एक दो दिन आपको सिटी टूर के लिए रखने पड़ेंगे। मैंने एक दिन रखा था और उसमें मैंने वो बिग बुद्धा का टेम्पल था वो देखा था, उसके बाद मैंने शेरों के साथ लायंस का साथ फ़ोटो वगैरह खींची थी, वहाँ और भी सारी जगह है जहाँ एलिफेंट के साथ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, एलिफेंट बात कर सकते हैं, बाद में एक ही टिकर के एक शो है वहाँ पे आप छोटी सी वो गाड़ी रहती है उसको चलाते हुए पहाड़ के ऊपर चले जा सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए, फैमिली और दोस्तों के साथ आओगे बहुत एंजॉय करने को मिलेगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं मैं यहाँ अकेला हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग अपने मिल जाते हैं, और अगर एक साथ उनके साथ सफ़र हो जाता है तो एक रिश्ता तय होता है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ भी, और कॉन्टैक्ट हो जाता है,
और लगाव भी हो जाता है। अच्छा लगा उन सब से मिल के, बहुत बहुत नए नए लोगों को जानने को मिला, पहचानने को मिला और उनके साथ अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। इसलिए ऐसा लगा नहीं कि मैं थाईलैंड में अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। ये हो गया आपका तीसरा दिन फुकेट में। चौथा दिन आप रख सकते हैं अपने लिए, अपने लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस दिन आप शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ का थाई स्ट्रीट फूड खा सकते हैं और यहाँ पे बांग्ला स्ट्रीट रोड है, बांग्ला वॉकिंग रोड है, यहाँ पे आप पार्टी, नाइट लाइफ सब कुछ है। यहाँ पे बियर वगैरह के शौकीन है तो वो भी सब करने को आपको मिलेगा। बिल्कुल वैसे भी बैंकॉक के, बैंकॉक में मैं आपको बताना भूल गया था कि वहाँ भी एक खाओसान रोड करके जगह है, वहाँ भी मैं गया था, वो वाली वीडियो भी आपने देखी होगी। वहाँ भी वो सब पार्टी वार्टी सब कुछ चलती है, खाओसान रोड पे काफ़ी फेमस स्ट्रीट है। यहाँ भी फुकेट में बांग्ला रोड काफ़ी फेमस है, बहुत अच्छी जगह है, रात को नाइट पार्टी वगैरह सब एंजॉय करने के शौकीन है तो आपको वो सब मज़ा करने को मिलेगा। इस तरह कुछ आप थाईलैंड टूर का प्लान कर सकते हैं। ये सब मैंने अकेले में किया था, किसी से कोई मदद नहीं ली थी और कुछ नहीं था, अकेले करने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई प्लान करते समय। यहाँ आने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे टाइम लगा था थोड़ा सा प्लान करने के लिए, मगर एक बार हो गया तो हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से प्लान मेरा अंजाम तक पहुँच गया। आज है 7 जुलाई, कल सुबह वाली मेरी फ्लाइट है यहाँ से बैंकॉक के लिए, बैंकॉक से फिर मुंबई के लिए। तो कुछ ऐसा आप कर सकते हैं और मेरी आपको सजेशन है, आप बिल्कुल अकेला ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बहुत डर रहा था कि कैसे जाए, विदेश कैसे जाए यार, डर लगता था, इमिग्रेशन का डर लगता था, वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, ट्रैवलिंग कैसे करूँगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अपने भारत में घूमने जैसा ही है, आपके दिमाग से आपके दिल से बस डर ख़त्म हो जाए, सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हौसला ज़रूर देगा घर से बाहर निकलने के लिए। अगर आप अभी तक निकले नहीं है घर से तो अभी जाके पहले टिकट बुक करो, फिर होटल बुक करो और तुरंत निकलने की तैयारी करो। मुझे लगता है कि ये शानदार वीडियो आपको अच्छी खासी जानकारी देने लायक बन चुका है। तो इस वीडियो को हम करते यहीं पर एंड, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक टाटा नमस्कार बाय बाय। अगर इसमें कुछ छूट भी गया है तो आप यहाँ आके कर सकते हैं, मुझसे जो हो सका मैंने किया है, क्योंकि मेरा प्लान खाली 10 दिन का था, 10 दिन में मुझे जो भी कुछ करना था मैंने कर लिया है। अभी वापस जाने की बारी आ गई है, टाइम भी आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट में बता दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बोल सकते आप मुझे, आप मेरे दोस्त हैं। और इस वीडियो को करते यहीं पर एंड, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक टाटा नमस्कार एंड बाय बाय। जाते जाते आपको इस लहरों के साथ मैं छोड़ जाता हूँ।